हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले वो बीबी की वाइंस की एक नई वीडियो जिसका नाम है बीबी की वाइंस इतनी चंद इंग्लिश जेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर आगे जाने से पहले की गुजारिश है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो चलिए चैनल से वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, हाँ भैया, बबलू जी के घर से बात कर रहा हूँ। नौकर नहीं हूँ उनका, बेटा हूँ। नौकर भुवन बेटा, पानी की बोतलें भर के छत से कपड़े उतार के ले आ। हाँ, नौकर ही हूँ मैं एक तरह से। अच्छा सुनो, हमारे घर का हीटर खराब हो गया, उसको रिप्लेस करवाना है। आपका कौन सा एग्जीक्यूटिव है भाई? आप तो गले पे बैठते हो, आपकी साइकिल वाले के बगल वाली दुकान है। अच्छा बात करो एग्जीक्यूटिव। हेलो भैया। हाँ भैया नहीं सर। हेलो सर, मेरे घर का हीटर खराब हो गया है, उसको रिप्लेस करवाना है। नहीं नहीं, रिपेयर नहीं करवाना। पिछले हफ्ते आपका बंदा आया था, हीटर के ग्रिल पे पापड़ सेक के चला गया। अरे 600 रुपए की चीज को क्या रिपेयर करोगे आप? आप रिप्लेस करवा के दो वारंटी पीरियड में। मेरी बात करो, आप मेरे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। हेलो, तुम्हें पता है कि दिक्कत हो रही है? सोचा था पहले हीटर से हाथ गर्म करेंगे, अब वो चल ही रहा तो सारे पैंट में हाथ डाल के बैठे। सर्दी एक आंची भी बढ़ गई। कहावत की सुनी, झांटे सो लगना, अब उसी से हाथ गर्म कर रहे हैं। डैडी को आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। आपकी दुकान पे मेरे दो बंदे आएंगे, हाँ उनको यही बात बता देना। उफ़े क्या होगा, उफ़े तेरे हुतर लाल हो जाएंगे, मार मार के इतना लाल कर देंगे, बंदर की गांड और तेरी गांड जुड़वा भाई लेंगे। फिर बैठ नहीं पाएगा तो क्या करवाएगा? रिप्ले। मिनट के अंदर यहाँ पे आ जा। कौन पीठ पे ना मुक्का मारू ना नापू मैं गुद्दी, बातों पे ही बुन फाड़ दू, नाम है मेरा समीर। हेलो भैया, समीर सबसे बड़ी दिक्कत है बहनचोद, पीछे स्कूटी पे लड़की नहीं बिठा सकते। क्यों? पीछे रबाब कम नहीं निकल रहा है। सारे डैंड्रफ साथ में रहते हैं, लेट्स गो। तो शैम्पू कर, क्या करना यूज करके? दोपहर की धूप में नीचे काला कपड़ा रख के ततर ततर करके मनाली की स्नोफॉल देखने का मजा है वो कहीं है। तू पागल है? तो फिर क्या करूं? एक तो इतनी ठंड में पहले नहाने का मन बनाओ, फिर गीजर ऑन करो, फिर शैम्पू करो, फिर कंडीशनर करो। अब इतने सैक्रिफाइस के बाद भी डैंड्रफ नहीं जाता तो मैंने तो छोड़ दिया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। तो बेटा एक काम कर, अंडा लगा ले बालों में। पिछले महीने इसी वजह से हुआ था, वो वीगन थी और डेट पे मेरे बालों में से अंडे की स्मेल आ रही थी। आई हेट एक्स। लेकिन कुछ भी कहो, वो इंस्टाग्राम पे अंडे ने कायली बहन जी को हरा दिया। नहीं आप कैसे जानते हो कायली के बारे में? लगता है मैं गैस पे अंडे रख के भूल गया। अंडे पापा पापा। और बर्थडे के क्या प्लान? तुझे याद है मेरा बर्थडे? और क्या बहन चो, कब आता है? ओह शिट, इसको भूल गया यार। कोई रेवोल्यूशन? मम्मी पापा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। तूने अपने बर्थडे पे क्या रेजोल्यूशन लिया था? खुदाई बहुत कम करनी है। मर जाएगा रे तू। मर जाएगा क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर पे रहूंगा फैमिली के साथ। पार्टी? क्या पार्टी करनी यार, बड़े हो गए सब। दूसरों से बर्थडे ट्रीट लेके अपनी बारी में मैच्योरिटी की बातें चौधरे वाला, तुम्हें सलाम है। मैंने कब पार्टी की? पिछले हफ्ते शंकर की पार्टी में बियर पी के कौन झूम रहा था? बेंच घर में है। पार्टी घर में नहीं होगी, बाहर होगी। बेटा ये ना नीचे वाली किराएदार लग रहा है थोड़ी टेंशन में है। क्या हुआ? कल रात को वो अपने बच्चे से कुछ मांग रही थी, वो दे ही नहीं रहा था। बच्चा? उसका तो कोई बच्चा नहीं है। फिर बार बार गिव इट टू मी बेबी, गिव इट टू मी बेबी क्यों चिल्ला रही थी? ओह यस। अंकल कौन रहता है नीचे? है दो तीन लड़कियां रहती है साथ में। अब तो पार्टी इसी घर में होगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं अंकल। हम तो ऊटी जाने का सोच रहे थे। व्हाई ऊटी व्हेन नियर बाय बूटी? बूटी बाबा जी की बूटी। अंकल पार्टी में आसपास के लोग बुला लेते हैं। हां भाई, लाइन तो सही कर रहे नहीं है। नीचे वाले और नीचे वाले। भूगोल खराब है इसका। एक काम करते हैं, ऊपर ही छत पे कर लेते हैं छोटी सी पार्टी, और वो भी लगा लेंगे वो छोटा शमशान, बॉनफायर। हाँ। तो सबसे पहले किसका इंतजाम करें? लड़कियां, लकड़ियां बॉनफायर के लिए। ठंड बहुत हो गई है नी आजकल, दो रजाई चाहिए या फिर रजाई में दो। पापा आप अपने टाइम में ठंड में क्या करते थे? यार मैं तो पहाड़ चढ़ने जाता था, इतने वेले थे। ना एक दोस्त के साथ वहाँ हम जाके ये आग लगा के घंटों तक बातें करते थे, और आसमान में देखते थे, ऊपर से पूरा शहर दिखता था। और कभी कभी तो हम बारबेक्यू भी करते थे। बारबेक्यू? तुम बच्चे को लगता है ठंड पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों? सुकड़ा नुनू। ठंड में नहाते टाइम ऐसी हालत हो जाती है, पता नहीं टाइटैनिक में जैक का क्या हाल हुआ होगा। क्या बोल रहा है ये अंकल? एक तो पहले से अंगूर, ऊपर से ठंडे पानी में नहा के किशमिश। किशमिश? आप बताओ ना, आपको कुछ काम था? हाँ छोड़दास। बेटा वो वर्मा साहब का आज बर्थडे है, तो उनको बर्थडे की बधाई के लिए कुछ मैसेज लिख दे। अच्छा सुन, तेरा बर्थडे आ रहा है, हर साल मम्मी और मैं तुझे अपनी पसंद का गिफ्ट देते हैं, तो इस साल मैंने सोचा कि तू हमें हमारी पसंद का गिफ्ट दे। एक सेकंड, मैं अपने बर्थडे पे आपको गिफ्ट दूँ? हाँ
मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा मैं बस यही चाहता हूँ कि तू हमारा नाम ऊंचा कर दे बस। यार नाम ऊंचा करने से क्या होगा, आपका नाम बबलू से बबलू हो जाएगा क्या? हाँ तू मजाक मत कर, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया सी नौकरी करो और फिर हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। अच्छा शादी भी आपकी पसंद से? और क्या, अरेंज मैरिज बेस्ट है। क्यों सुहागरात में शर्माने में टाइम वेस्ट नहीं होता। तू चुपचाप मैसेज लिख और तू बहस मत कर। अंकल ये लो, लिख दिया। वाह वाह धोनी की स्टंपिंग से भी तेज है। इधर देख ले भूतनी के। डियर मिस्टर वर्मा, अच्छी इंग्लिश है। आई एम ग्लैड यू वर बॉर्न टूडे एज आई हैव फाउंड अ गुड फ्रेंड इन यू। योर प्रेजेंस इज ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ऑल्दो आई हैव रैशेस ऑन माय pubes, but they still look like jamun. Jamun? Hindi. Apple was founded by Steve Jobs, but life is dull without blowjobs. Doggy style is now difficult because ghutna goes kadkad. Telling you this because you love missionary. Baad mein batana kari ki nahi kari. Happy birthday. Wah. हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, अच्छा तो पसंद आएगा ही नहीं। और कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं जो कभी सुने भी नहीं। ये ब्लोजॉब क्या होता है? पापा वो कल हम लोगों का पहली बार चालान हुआ था तो वो पुलिस वालों ने हमसे वो फूंक मारने को कहा था, वो जो ड्रिंक एंड ड्राइव में होता है ना, तो वो ब्लो जॉब। अच्छा पर इसका इससे क्या लेना देना? हाँ वही तो, लाओ मैं चेंज कर देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा इसने। यार आज के जमाने में वो क्या बोल रही कितना जरूरी है। वो क्या बोल रही? वोकैबुलरी। ओहो हेलो वर्मा साहब, जन्मदिन की पांड्या शुभकामनाएं। अरे मैं आप ही को मैसेज कर रहा था अभी। हाँ वो बच्चे लिखने में मदद कर रहे थे। यार बच्चों को ही सब पता है, हमें क्या पता मोबाइल के बारे में। अरे बेचारे कल इनका चालान हो गया तो पुलिस को ब्लोजॉब देके आए हैं। हाँ कितने थे बेटा? हैं तीन 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 को देके आए हैं। अलग 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 मुंह दुख गया होगा बेचारों का, ऊपर ऊपर से या हलक तक। अरे फूक तो ऊपर से मरे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब बच्चे स्ट्रेट है या नहीं? Power by Bhuvan Mom. Subscribe, like, share. हाँ तो भैया कैसा लगा बीबी की वाइंस का एक नया वीडियो? आज ही रिलीज किया गया इसको और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, काफी धमाल मचाया इस वीडियो ने। और सर्दी यार काफी बढ़ गई है कराची में भी। कराची में भी वैसे सर्दी नहीं होती तकरीबन कोई एक साल बाद कराची में भी बारिश हुई है। और बाकी वीडियो की बात करें तो काफी अच्छा इन्होंने वीडियो यार लिखा है। बीबी की वाइंस एक मल्टी ट्रेडिशनल जो है वो बंदा है। और बात करें तो यार इसने वो उन लोगों को सबक दिए जो लोग कहते कि यार हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हम वीडियो बनाना चाहते हैं मगर हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास माइक नहीं है, कैमरा नहीं है। तो उस लोगों को ये सिखाया कि भाई मोबाइल से भी बंदा वीडियो बना सकते हैं। मैटर नहीं करता क्या कि आपके पास स्टूडियो ही होने चाहिए। मेरी तरह देखो यार, मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे पास माइक नहीं था, मेरे पास कैमरे के लिए यूज करने के लिए मेरे पास मोबाइल नहीं था ना कैमरा था, मैं लैपटॉप के वीडियो कैमरे से ही रिकॉर्ड करता था। थोड़ी जब जॉब की और फर्स्ट टेली जब आई तो मैंने माइक लिया उसमें से, बाकी घर में दी, फिर उसके बाद लैपटॉप जो है वो उसमें मैं एडिटिंग करके वीडियो को अच्छा करा, फिर मोबाइल जो है घर के लिए लिया, वो घर में यूज होते हैं मैं भी यूज करता हूँ, फिर उसके बाद अभी मैंने लैपटॉप चेंज किया। होता है इंसान आराम आराम से होगा, एक साथ तो नहीं कर सकते कि एक साथ तुम ऐसा करके यार तुम 50,000 रुपये का जो है जो कैमरा ले, साथ में तुम 10-15,000 रुपये का माइक लो, फिर उसके साथ ट्राइपॉड लो 5-10,000 रुपये का, तो ये चीज़ें नहीं चलनी। फिर तुम यार बोलो यार मेरे पास स्टूडियो नहीं है तो ये करूँ। बस इस वीडियो में इस भुवन बाम की पूरी सीरीज जितनी भी वीडियो, तो उसने लोगों को वो सिखाया जो आम बंदा नहीं सिखा सकता। क्यों? उसकी वजह ये है कि भाई वो कहा कि यार अपने जब जिसके पास माइक है जिसके पास इक्विपमेंट हो उस उन लोगों के लिए एक बड़ी सबक है कि लोग काम करें। क्वालिटी आपकी इतनी मैटर नहीं करती जितना आपका कंटेंट मैटर करता है। क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज, अगर आपने मोबाइल है यार मोबाइल से भी वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो बन जाती है तो ये एक बड़ी चीज़ है। बाकी वीडियो की बात करें तो ठंड ही ठंड है सर्दी, और सर्दी में फिर नहाना अजाब हो जाता है यार। टर्न इंग्लिश जंट। तो ये वीडियो देखिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल बटन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बढ़ सके। आज के लिए इतनी काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।